महिला पुलिस बुलाई, आप लोग सब लोग हैं भाई, आप कितने लोग हैं? देखिए कितना मार रही मुझे, लौटा होता मैं बताता भाई। ये कहते हैं कि बड़ा कुछ है पापा, तुम्हारा बाप है। कैन ही टॉक लाइक दिस, कैन ही टॉक लाइक दिस। जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन्स घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे। उछालो चल के, हम मार भी नहीं सकते तुमको, वो इतना सारा बीमारी है ना। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं निकला व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। हाय गाइस, दिस इज दिव्यांशु हियर फ्रॉम दिव्यांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हम लोग का वीडियो टॉपिक है क्या है, हमसे पूछ रहे हो? जी हाँ, वो ओला टैक्सी ड्राइवर और जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है ना, उसी के ऊपर हम लोग रोस्ट वीडियो बनाओगे तुम? नहीं, हमको खाना पड़ेगा सब देखे थे। फोन तोड़ने के बाद क्या था, 25,000 के फोन तोड़ने के बाद मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो बहुत ज्यादा मारपीट होने के बाद हम दोनों के बीच पता चला सिग्नल कौन था, सिग्नल ग्रीन था। फिर क्या हुआ? ग्रीन था और ग्रीन सिग्नल में ही दीदी रोड क्रॉस कर रही थी और दीदी भैया के सामने आके रुक गए, भैया के नहीं, भैया के गाड़ी के सामने। एक्चुअली उछलते कूदते आ रही थी ना बस के सामने से पहले, परी हूं मैं। इधर से दीदी जा रही थी, यहाँ पे अचानक रुक गई और भैया भी इधर से आ रहे थे, दीदी रुक गई तो उनको देख के भैया भी यहाँ पे रुक गए। और दीदी का कहना है कि अरे कहना क्या चाहते हो, ठुक दी उड़ा दी है। अब बताइए, जिसके टांग में चोट लगा हो उछल उछल के मारेंगे, कैसे मारे थे दोस्त? मोबाइल का ये ना, नहीं उछल चल गए। तो कहने का मतलब दीदी उछल उछल के मार रही थी और दीदी को मजा आ रहा था मारने में, पता नहीं दीदी कब से मारने लगी। मेन टॉपिक पे आते हैं, कहने का मतलब पहले तो, और अपने भैया जो हैं तो उनका कहना है कि डैशबोर्ड पे 600 रुपये रखे हुए थे, उनके मालिक का जो फोन है 25,000 का वो तोड़ दी थी और डैशबोर्ड पर कुछ 600 के आसपास रुपया था वो अपने पॉकेट में रख ली, देन उनको 22 थप्पड़ मारा गया था और ऊपर से गाड़ी को भी, गाड़ी की शीशा भी फोड़ दिया था। प्रिया क्या नाम था उनका, प्रिया दर्शनी नारायण। हम गूगल पर सर्च किए, क्लिनिक का फोटो आया, कोई डॉक्टर है तो अब तो दीदी को हमको लगता है कि डॉक्टर, तो दीदी तो अब डॉक्टर होगी नहीं भाई। दीदी डॉक्टर के पास पहुंचाने वाले नहीं पहुंचने लायक है कहानी ये हुआ था कि ओला अपना जो ड्राइवर है वो रेड सिग्नल देख के गाड़ी अचानक रोक दिए दीदी को लगा भी नहीं और दीदी बोल रही है क्या कि वो रूल वायलेट किए तो दीदी आप चालान कीजिएगा और रूल वायलेट भी किए तो ट्रैफिक पुलिस का देखना काम है कितना जुर्माना लगाना है आई थिंक दीदी क्या लगता है उनको क्रांतिकारी बनी थी दीदी। और दो तीन दिन पहले एक और वीडियो बना था, देखे थे दीदी? ये कहते हैं कि बड़ा कुछ है पापा, तुम्हारा बाप है। अरे फोटो तो उसी, कैन ही टॉक लाइक दिस, कैन ही टॉक लाइक दिस। जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान। कि लोग इक्वालिटी का बात करते हैं, लड़का लड़की सेम है, लड़का लड़की सेम है, अंकल का लड़का नीचे जा रहा है लड़की लोग ऊपर आ रही है, और जिनके लिए ये लॉस और कानून सब बनाया गया था ना, फेमिनिज्म, सो कॉल्ड फेमिनिज्म वाला, तो आई थिंक जिनके लिए सब कानून बनाया गया था उनसे ज़्यादा इन जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं जो प्रिया दीदी हैं इन जैसे लोग सब यूज़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिनके लिए बनाया गया दबी हुई लेडीज सब थी, तो उन लोग वो लोग कहीं ना कहीं ऊपर नहीं आ रहे और यही लोग ज़्यादा इस कानून का मिसयूज़ कर रहे हैं। और अपने एक इंटरव्यू में दीदी क्या बोलती हैं कि हमको देख लीजिए, हम बहुत बीमार हैं, हमको बहुत सारी बीमारी है, बहुत सारा अपना सर्टिफिकेट भी दिखाए हैं कि हमको ये बीमारी है और फिर भी उछल उछल के मारी थी दीदी, तो सुपर वुमन है। नहीं एक्चुअली मतलब सुपर वुमन नहीं है वो उनको बॉक्सिंग का मन कर गया था जब वो सिग्नल मतलब क्रॉस कर रही थी, तो सोची कि चलिए बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे, एक्चुअली ओलंपिक में जाने वाली है। अच्छा, ओलंपिक में जाने वाली है तो तैयारी वो चाहती है लखनऊ के रोड से तैयारी करें और फिर दिल्ली तक जाए और दिल्ली के बाद वर्ल्ड लेवल पे तैयारी करें ताकि फेमस हो सके। और शुक्र नहीं कि ओला ड्राइवर था और हम आप जैसे लोग होते तो बात दूसरा ही होता, कहानी कुछ और होता, बट वो भाई साहब इतना सहज थे, इतना मतलब उनका संस्कार अच्छा था। हिंदू मुस्लिम का हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस, पहले हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले अपना लोग हिंदुस्तानी है,
तो भले प्रियदर्शनी हिंदू हैं तो भाई हम हिंदू हैं तो हिंदू का सपोर्ट करेंगे ऐसा कुछ नहीं हम कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सब बोलेंगे कमेंट आने वाला है कि हिंदू हैं तो हिंदू का सपोर्ट कीजिए आप मुस्लिम क्यों करते, मतलब वो जो ड्राइवर सही है भाई जो सही है वो सही है जो गलत है वो गलत है। इसमें हमको एक चीज़ था कि वो अपनी जो जेड सिक्योरिटी वाली आंटी थी क्या नाम है उनका, उनको जो सिक्योरिटी मिला था क्या नाम था आंटी का, तापसी सॉरी कंगना रनौत दीदी ने ट्वीट तक नहीं किया, वो जो इतना फेमिनिस्ट बनती है इनके साथ इतना हुआ है। वो जो आंटी इतना मतलब बनती है कि दीदी मतलब ये हुआ वो हुआ मेरा घर उड़ा दिया भारत सरकार मेरे पीछे ये वो जेड सिक्योरिटी में घूमती रहती है, उनका एक ट्वीट तक नहीं है, इस देख के हमको बड़ा दुख हुआ। आंटी इतना सब कुछ बोलती है कमेंट तक नहीं करती है, बहुत काम बनता बाहर में जाए जनता यही कहेंगे यही कहानी है। तो हमको इसमें मतलब दिव्यांशु एज ए सीरियस नोट हमको दो तीन चीज़ बहुत खराब लगा कि इस बात को हाई लेवल पे उठ तो गया, मतलब नॉर्मल लोग उठाए कोई ऐसा सेलिब्रिटी सब मतलब ट्वीट नहीं किया जैसे कंगना रनौत करती थी ये हुआ मेरे साथ वो हुआ फेमिनिस्ट है, आज कहाँ गया आपका इक्वालिटी, आज तो आपका इक्वालिटी कहीं दिख नहीं रहा। तो कम से कम ओला जो ड्राइवर उनको जस्टिस मिलना चाहिए और उनको सपोर्ट कीजिए और बस इतना ही कहेंगे, उनको कम से कम आप लोग सपोर्ट कीजिए उनको अपना प्यार दिखाइए। और जो भी लोग मतलब इक्वालिटी का बात करते हैं जो भी इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कि इक्वालिटी लड़का लड़की सेम है तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए कि सब तक पहुंचे इक्वालिटी क्या होता है सबको पता चले। इक्वालिटी मतलब क्या, लड़का लड़की दोनों को समाज में सेम रिस्पेक्ट मिले। आज हमको लगता है क्या कि उनका जो वीडियो वायरल ओला ड्राइवर का उनका रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं पूरा चला गया, अब कितना भी रुपया दे दो अभी रिस्पेक्ट वापस आने वाला नहीं है। और उनके इंटरव्यू में भैया ने कहा भी था कि हमको कुछ भी कुछ नहीं चाहिए अपना सिर्फ सेल्फ डिफेंस सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। तो आप इस कमेंट सेक्शन इस वीडियो कमेंट सेक्शन में या फिर किसी का भी कमेंट सेक्शन में आप जाके उन भैया को सिंपैथी दीजिए अपना, सिंपैथी दीजिए आपके साथ उनको सपोर्ट कीजिए। हाँ भले आप लड़की हो चाहे लड़का, अगर आप लड़की हो तो लड़की के साथ जैसे आप लोग स्टैंड करते हो वैसे इन भैया के साथ भी कम से कम आप स्टैंड करो इनके साथ खड़े हो जिससे कि मतलब उन भैया को एक सपोर्ट मिल सके, बस इतना है। और दूसरी बात अपना बिहार का ही है, वर्ल्ड सबसे सपोर्ट आ रहा है आयंस, आई थिंक जानते हो गए आयंस का। तो लास्ट टॉपिक हम लोग यही है कि आयंस मतलब हम ही लोग के बीच के बिहारी हैं, वो पटना बिहार के रहने वाले हैं, तो उनको कोई रेयरली सिंड्रोम है आई थिंक सिंड्रोम का नाम नहीं मालूम, जिसमें पूरा मतलब बॉडी उनका वर्क नहीं कर, हाथ तक नहीं ला पा रहे, सिर्फ गर्दन के ऊपर ही वो मतलब हिल डोल पा रहे हैं। पूरा ऑल ओवर द इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड से मलेशिया तक से यहाँ तक सपोर्ट आया है, तो उनको 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है, तो 16 करोड़ रुपया जुटाया जा रहा है, अभी तक लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया मतलब डोनेशन के थ्रू आ चुका है। और हर कोई डोनेट कर रहा है, साग सब्जी वाला जोमेटो वाला हर कोई डोनेट कर रहा है, हर कोई उनका मतलब आयांस का जान बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो आपसे भी मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप लोग अगर सपोर्ट कर सकते हैं अगर केपेबल हैं सपोर्ट करने में तो प्लीज़ आयांस मतलब बहुत सारे रिपोर्टर के आपको डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर और UPI ID मिल जाएगा, प्लीज़ आप उनको डोनेट कर दीजिए। और हम लोग भी सोच रहे हैं कुछ डोनेट करने का, हमसे जितना हो पाएगा दिव्यांशु जितना हो पाएगा हम कर देंगे, बिकॉज हमको दिखाना नहीं है, और आप लोग भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं और सामने वाले को मोटिवेट कीजिए करने के लिए। और हम कभी भी अकाउंट नंबर आयांस का चाहे UPI ID आयांस का हम नहीं डालेंगे और ना ही हम अपना दिखाएंगे कि हम कितना डोनेट किए, बिकॉज मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर दायां हाथ से डोनेट करो तो बायां हाथ को ही पता नहीं चलना चाहिए, तो हम मतलब इतना दिखावा क्यों करें कितना डोनेट किया। दूसरी बात कि मतलब आयांस का ID इसलिए नहीं देंगे अकाउंट नंबर और UPI ID, बिकॉज बहुत सारे लोग को लगेगा अभी से ये कर रहा है क्या कहते हैं उसको मतलब अपने खाता में पैसा मंगवा रहा है अपना मतलब उसके नाम पे पैसा लूट रहा है, तो वो सब कहीं ना कहीं हमको सही नहीं लगता। आप रिसर्च करके थोड़ा सा डोनेट कर दीजिए, बस इतना ही कहेंगे और वीडियो को खत्म करते हैं। और एक मीम्स आएगा भाई के साथ, कैमरा के पीछे सोनू भाई है, सोनू भाई पूरा तैयार है अपना दिव्यांशु पूरा तैयार है दिव्यांशु ब्लॉग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 उछल के मारना चाहिए था तुम, बैठ कर पैर ऊपर है मेरा धरती से मेरा पैर ऊपर जो कर बाट भाई मतलब इनको मेरे भाई को सपोर्ट कीजिए। पीछे सोनू है, सोनू मेरे साथ कैमरा पे रहता है, कैमरा मतलब मेरा क्या क्या बैक टू बैक 4 वीडियो एक दिन में रिकॉर्ड किया, बड़ा पसीना पसीना हो गया था भाई मेरा, तो भाई को भी सपोर्ट कीजिए। भाई का यूजर आईडी भाई खुद बताएगा कैमरा से, सोनू आपका यूजर आईडी क्या है आपका इंस्टाग्राम आईडी का जरा बताइए। इट्स सोनू मंडल स्पेलिंग ITS स्पेस MN सोनू SONU MANDL। हाँ तो बस ये भाई का इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग फॉलो करना चाहें तो भाई को कर सकते हैं, भाई बहुत अच्छा। और किसी ना किसी वीडियो में अब हम चाहेंगे जो भी मेरा भाई सब जो मेरा कई भी फ्रेंड सब है सबको अपने चैनल पे लाएंगे, लाइक सोनू कह सकते हैं, दिव्यांशु आ ही रहा है, सोनू भी अब आएगा धीरे धीरे मिथिला ब्लॉग से आने वाला है मेरा भाई। अब सोनू आग लगाना है भाई, बोलो इधर इशारा नहीं इधर बोला जाता है, तब सोनू भाई भी आने वाले हैं चैनल पे, सोनू भाई भी अब तगड़ा आग लगाने वाले हैं। दिव्यांशु थोड़ा शांत स्वभाव का बच्चा है बट सोनू इधर डबल आग है, हम आ गए तो सोनू डबल आ गए, अब मजा आएगा देखते रहिए चैनल, अब आग लगने वाला है मिथिला ब्लॉग्स के लिए कंटेंट सब भरपूर आने वाला है, तो प्लीज़ मिथिला ब्लॉग्स और दिव्यांशु ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। और इन फ्यूचर अगर सोनू का कोई चैनल ओपन होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे और भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो इस वीडियो में उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और कोई सवाल या सुझाव या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो आप देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइए, नीचे कमेंट करके बता दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।